नमस्कार, सचिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। आज देखिए, एक नाश्ता गेहूं के आटे का नाश्ता है। अब चीला भी बन जाता है, चीला भी शायद मैंने डाला हुआ है अपने वीडियो पर। आज मैं देखिए गेहूं का आटा का क्या बनाने जा रही हूं। तो ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया हुआ है ये, और यहाँ मैंने प्याज लिया है, यह हरा प्याज लिया हुआ है, धनिया लिया है और अदरक लिया हुआ है, और ये सूखा और ये ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन लिया हुआ है, और यहाँ पर हरा धनिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आटे के अंदर सॉल्ट डालूँगी। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और थोड़ी सी इसमें रेड चिली डालूँगी। ग्रीन चिली खाते हैं तो ग्रीन चिली डालिए, मैं ग्रीन चिली नहीं खाती हूँ। और इसमें थोड़ा सी हल्दी डाल दूँगी, और उसके बाद इसको थोड़ा पानी डाल दूँगी इसमें। देखिए, इसको पानी डाल के इसको मिक्स कर दूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, जिससे कि जैसे हम पकौड़ी का बैटर तैयार करते हैं बेसन वाला, वैसे आटे का भी हम तैयार करेंगे। देखिए, और फिर इसमें ये जो मैंने अदरक ग्रेट करी थी ये डाल देंगे, और ये थोड़ी सी पालक है ये मैंने पालक भी डाल देंगे इसमें, और ये स्प्रिंग ओनियन है, हरा प्याज, ये देखिए हरा प्याज डाल दिया मैंने, और इधर धनिया भी डाल दिया, और ये जो प्याज है ये वाला भी डाल दिया प्याज, ये देखिए। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है पूरा, और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और भुना हुआ जीरा भी डाल दूँगी थोड़ा सा, ये देखिए जो मैं घर में बना कर ही रखती हूँ। और मिक्स करके इधर मैंने कढ़ाई रख रखी है, देखिए कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, मस्टर्ड ऑयल, और मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। देखिएगा, आपने बेसन के खाए होंगे लेकिन आटे के नहीं खाए होंगे, तो आज आटे का खा के देखिए कैसा लगता है, हेल्दी भी होगा और पसंद भी आएगा आपको। और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और शेयर भी करिएगा कि लोगों को रेसिपी भेजिएगा, जिससे कि वो भी आटे के पकौड़े बनाएँ। ये देखिए मेरा बैटर तैयार है, इसमें मैं थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा भी डाल रही हूँ, ज़रा सा हल्का सा, जिससे कि ये अच्छी सी पकौड़ी बनेगी। थोड़ा ही डलेगा, एक पिंच बस, इसके तेल में डालूँगी। देखिए, इसे डालते जाइए इसको, और मीडियम फ्लेम रखिए, जिससे करकरारे भी होंगे और अच्छे भी लगेंगे। ये पकौड़े ज़्यादातर गर्म ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए सिक रहे हैं, ये देखिए कितने बढ़िया, और इसको ऐसे अलट पलट के इसको करारे करेंगे हम। ये देखिए सीख गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आटे का नाश्ता हमारा, गेहूं के आटे का नाश्ता तैयार है। इसको हम पकौड़े बोलते हैं, वेजिटेबल देखिए ऊपर से कितने करारे हैं और अंदर से सॉफ्ट है, और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इसको आप खाकर भी देखिएगा, देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, और एक बार ज़रूर आप हमारी स्टाइल से बनाकर देखिएगा कि कैसे लगते हैं। और बेसन तो बहुत लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये आटे का तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, तो आप इसको बना सकते हैं। इसका चीला भी मैंने डाल रखा है, तो चीला भी बना सकते हैं। पर ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर थोड़ा गरम गरम खाइए इसको, चाय के साथ खा सकते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
और अगली वीडियो तक के लिए बेल आइकन को क्लिक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।